स्वेटर बुन ले अभी भी सरकार तो बच्चों को स्वेटर मिल जाएंगे। किसान चिंता सरकार ये कर रही, आलू कैसे आ गया? आलू खरीदा होता तो शायद आलू नहीं आता। आलू विधानसभा के सामने कैसे पहुंच गया? पुलिस लगता सर्दी में सो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। कम से कम सरकार को अपना खुद का वचन याद रखना चाहिए। जिस समय सरकार बनी थी उन्होंने कहा कि किसानों को आलू की अच्छी कीमत देने के लिए हमने व्यवस्था कर ली और बजट में भी पैसे का इंतजाम कर लिया। सरकार यहां नहीं बोली, हिमाचल में बोली जाकर के कि हमने आलू की कीमत के लिए सब इंतजाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के आप यहां से जाएं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी कोल्ड स्टोर रखने वाले हैं मालिक उनसे पूछें, किसान जिन्होंने कोल्ड स्टोर में आलू रखा था उनसे पूछें। आलू सड़ गया, बर्बाद हो गया, कोई कीमत नहीं मिली और नया आलू, नई फसल तैयार हो गई है, उसको क्या कीमत मिलेगी? तो पुराना जो आलू रखा है वो तो भूल जाइए, उसकी तो कीमत नहीं दे पाएगी सरकार। नया आया हो तो आने की तैयारी कर रहा आलू, उसके तो इंतजाम करे सरकार, उसके लिए क्या इंतजाम है? और फिर ये तो सरकार बहुत अच्छी है, हमारे ही कामों का अपना काम बता रही है। सठियाओं चीनी मिल, उसकी को जनरेशन का इंतजाम, उसकी और चीजों का इंतजाम, वो अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। दूसरा मोहिद्दीन चीनी मिल, आप हमारा भाषण सुन लें, उस समय के किसानों की मांग जान लें, वो भी कहीं ना कहीं वही है। और फिर गन्ना किसान का भुगतान हो गया क्या पूरा? और धान खरीदने के लिए कहा कि हम इतने केंद्र बना देंगे, 5,000 से ज्यादा केंद्र बनाएंगे, आंकड़ों में तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा लेकिन सच्चाई से किसानों को जो कीमत